हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इट्स डे टू इन आगरा और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हमने ताज होटल में चेक इन किया था और आपको रेड फोर्ट घुमाया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और कल उन्होंने एक्स्ट्रा बेड जो था हमारा थर्ड पर्सन के लिए वो भी लगा दिया था। तो लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे लेकिन अब रश बढ़ने लग गया है। और क्या क्या मंगाया मैंने अब आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी टेबल और मैंने मंगाया है भाजी पराठा, ये आलू और गोभी पराठा है, फिर उसके बाद चटनी और इडली और एक वड़ा। तो गाइज हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। वैसे प्लान था कि सुबह जाएंगे वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग कोई होगा नहीं, बट फिर कल गाइड ने बताया कि अभी कोविड की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद आराम से ही जाएंगे। तो अब हम निकलते हैं। तो हम लोग अभी ईस्टर्न गेट की पार्किंग पे खड़े हैं और यहाँ पार्किंग का कितना पे कर रही हूँ वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। शिखर देखने गया है और फिर यहाँ से अब हम लोग आगे तक गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं इसलिए हम इनमें जाएंगे। और ताजमहल की एंट्रेंस टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और जिसको मसोलियम देखना है उसके लिए एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ है। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें वहाँ अंदर जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग ने एक बार पहले भी ताजमहल घूमा हुआ है और भैया भाभी का फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं अब क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है। और प्लस इन्होंने हमें गाइड के लिए बोला है तो गाइड के लिए बोल रहे हैं 750 रुपीज़ और 2 घंटे का पूरा टूर कर देंगे वो, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। तो देखते हैं अभी थोड़ी बार्गिन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बाकी जैसा फिक्स होगा फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पीछे खड़ी है ये गोल्फ कार्ट और इसमें लिखा हुआ है कि पर पर्सन दे आर चार्जिंग 10 रुपीज़ और फॉरनर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है, हमारे लिए फ्री होना चाहिए और फॉरनर से चार्ज करना चाहिए, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो। तो पार्किंग का हमने पे करा है 100 रुपीज़ पर कार और ट्राईपोड यहाँ पे भी अलाउ नहीं है तो हमने निकाल करके गाड़ी पे रख लिया। तो जो ऐसे वाले जो आप बाहर जो बोर्ड देखोगे जिसके QR कोड से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, उसमें ये बेनिफिट है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करोगे तो आपको 45 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा एंट्री टिकट, और अगर आप कैश पे करोगे तो आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो इसमें जो आपको ये ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये उर्दू में नहीं है, ये अरबिक में लिखा हुआ है। और जो कलर है वो कोई, जो आपको ब्लैक दिख रहा है कलर, इसमें वो कलर नहीं है एक्चुअली, वो ब्लैक ऑनिक्स है और उस टाइम ये पत्थर बेल्जियम से मंगाया गया था। तो मेरे दोनों साइड आपको जो ये रेड रेड गैलरी दिख रही है ना, यहाँ पे पहले के टाइम में मार्केट लगती थी और मुगल मार्केट जो होती थी वो लगती थी और मीना बाज़ार लगती थी रेड फोर्ट में जहाँ हमने कल विज़िट किया था। तो जो मीना बाज़ार थी वो सिर्फ लेडीज़ के लिए लगती थी और शाहजहाँ और मुमताज़ भी वहीं पे पहली बार मिले थे। तो हम अभी अंदर नहीं गए, हम बाहर ही हैं और यहाँ से आप मेरे पीछे ताजमहल देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ताजमहल बहुत पास है, लाइक 500 मीटर, लेकिन एक्चुअल में पास नहीं है ये, अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है।
तो ये है मेरे पीछे ताजमहल, और सबको पता है ताजमहल शाहजहां ने बनाया था मुमताज जो कि उनकी बेगम थी उनके लिए। और इस ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मोहम्मद ईसा अफंदी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो टर्किश थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो फारसी थे, तो ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है किसी को भी। ताजमहल को लगभग 22,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया है, और ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने उन सभी के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी ऐसी भव्य इमारत ना बना सकें। तो इस तरफ से देखने में सिर्फ दो ही पिलर नज़र आते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि जो आपको सबसे टॉप में दिख रहा है वो है कलश। कलश के नीचे है हाफ मून जो कि हिंदू और इस्लामिक दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके दोनों तरफ है आइडेंटिकल बिल्डिंग जिसकी एक तरफ है मस्जिद और एक तरफ है जमात खान। ताजमहल पूरे 17 साल में बनके रेडी हो गया था ऐसा मुझे गाइड भैया ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इसको बनने में 22 साल लगे थे, लेकिन वो गलत था क्योंकि जब इनके गाइड वाले एग्ज़ाम होते हैं हर 2 साल में तो उसमें जो ऑप्शंस आते हैं उसमें 17 साल को ही टिक करना होता है, तो वो एक्चुअल आंसर होता है। और इसमें जो लगे हुए वाइट पत्थर हैं ये उस ज़माने में राजस्थान के मकरान से आए थे। ये जो आपको दिख रहा है ये है यमुना रिवर, और ये ताजमहल के जस्ट पीछे है। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पे तो नदी को साफ़ करने के लिए पानी छोड़ा गया था क्योंकि लोग बताते हैं कि बहुत बदबू भी आने लग गई थी इस नदी से। और ताजमहल आपको पता है ये 7 वंडर्स की लिस्ट में भी है, तो कितना खूबसूरत होगा। अगर आप लोग नहीं आए हो तो प्लीज़ डू विज़िट। तो ये जो रिवर है यहाँ पे विंटर्स के टाइम में बहुत सारी आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की बर्ड्स दिख जाएंगी क्योंकि जो भी माइग्रेटेड बर्ड है साइबेरिया साइड से जो आती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मुमताज़ शाहजहां की चौथी वाइफ थी, तो जो मुमताज़ थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थी और पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग थी। तो इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से शाहजहां उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और ये ताजमहल बनना पहले से डिसाइडेड हो चुका था जब वो ज़िंदा थी। तो जब शाहजहां और मुमताज़ किसी लड़ाई में MP गए थे मध्य प्रदेश, तो वहाँ उन्होंने अपने 14th child को जन्म दिया था, और जिसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनकी डेथ वहीं पे हो गई थी। तो इस वजह से उनकी डेथ के बाद फिर ताजमहल बना, और शाहजहां ने उनको वहीं पे दफना दिया था और जो भी उनके क्रियाक्रम वगैरह होते हैं वो सब वहीं पे कर दिया था। बाद में फिर जो उनके रिमेन्स जो भी था वो लाया गया यहाँ पे, और उसके बाद अब वो अंदर प्रिजर्व है। तो अंदर किसी को भी मेन जो इनका रूम है उसमें जाना अलाउड नहीं है, एक डमी रूम बना रखा है अंदर, और वहाँ पे जाकर के आप वो मकबरा देख सकते हो। तो ये है हमारे टूर भैया जितेंद्र सिंह, और इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताई है अभी ताजमहल के बारे में। तो कुछ बातें मैं वो आपके सामने पूछ लेती हूँ, और वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, शायद मैं भी उतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो मैं अब उनसे उनका ही इंटरव्यू लेती हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सब लोग शरद पूर्णिमा और फुलमून वाले दिन यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि बहुत सुंदर लगता है ताजमहल, तो क्या वर्थ है उसका टिकट लेकर आना इवनिंग में और यहाँ पे विजिट करना? एक्चुअल में जब भी मैंने यहाँ ताजमहल के अंदर मूनलाइट देखी है, तो अगर अभी एक्चुअल में क्या है, आज से करीब 20-25 साल पहले अंदर से दिखाते थे या नज़दीक आते थे लोग, तब तो वर्थ था क्योंकि स्टोन जो है वो ग्लो करते हैं, शाइनिंग करते हैं। और अभी आजकल क्या है, पिछले 18-20 साल से ताजमहल मूनलाइट में वहाँ मेन गेट से दिखाया जाता है। अच्छा। तो मेन गेट से और ताजमहल की जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर, मतलब मोर देन 800 मीटर्स है, तो उतना विजिबल नहीं होता है। ओके। हम मूनलाइट में लोग अपनी उम्मीद लेके आते हैं कि ऐसा दिखता होगा, नेट पे इतना डाला गया है डिपार्टमेंट ने, लेकिन उस टाइप का व्यू मुझे नहीं लगता आता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है प्रैक्टिकली। उसके लिए सबसे बेस्ट जो प्लेसेस है ताजमहल के पीछे जो गार्डन है मेहताब बाग, चांदनी बाग, वहाँ से देख सकते हैं, या उसके बगल से एक रोड जा रहा है नदी के किनारे की तरफ, वहाँ एक बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट ने, ADA डिपार्टमेंट ने
स्पॉट बनाया है, बहुत ही अच्छा स्पॉट है और कोई टाइमिंग लिमिट नहीं है, आप 2 घंटे 1 घंटे बैठ सकते हैं रात में, इवन रात को भी। अच्छा 9 बजे, हाँ 9-12 बजे के समथिंग रहता है वो, 12-1 बजे तो 9 o'clock पे 10 o'clock पे आप आ सकते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ सकते हैं और मून लाइट का आनंद ले सकते हैं। अच्छा बेस्ट प्लेसेस है और टिकट भी वहाँ कम है। अच्छा जैसे यहाँ पे तो 500 मोर देन 500 है, वहाँ साइज मेरी ख्याल से 200 है नाइट की जो टिकट है, और डे में 50 rupees है इंडियन के लिए, ठीक है फॉरेनर का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो सबसे बेस्ट है क्योंकि इतना नेट पे लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं कि हमें मून लाइट देखनी है, और जब वो लोग आते हैं यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 30 मिनट का उन्होंने टिकट पे दिया रखा है, लेकिन मुश्किल से 20 मिनट ही मिल पाते हैं। अच्छा। मेन गेट से, और देखने के बाद वो लोग भी मेरे से कमेंट करते हैं कि यार ये बताते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल यूजलेस है विजिट, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और 800-900 meters दूर से आप ताजमहल को देखोगे, क्या विजिबल है, कुछ नहीं है यहाँ। सही बात है। तो सबसे बेस्ट जो जगह है वो मेहताबाग के बगल से जो एक अलग स्पॉट बना है नदी के किनारे, वो सबसे बेस्ट प्लेसेस है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा जितेंद्र भैया ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा है, और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग इनके साथ आए और आप इनको एज अ गाइड हायर करें, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, ये आपको रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बाकी सब में भी हेल्प कर देंगे। आई होप गाइज आपने आज का ताजमहल व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आगरा के एक दूसरे व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।